मेड इन इंडिया लग्जरी फैशन ब्रांड रोपेरो ऑनलाइन बाज़ार में लॉन्च किया गया। लग्जरी मार्केट सेगमेंट में अब एक भारतीय बैग और परिधान ब्रांड होगा। जर्नी रोपेरो की मेरे पढ़ाई के दौरान यूएसए में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे लग्जरी कितनी इजीली एक्सेसिबल है, जो कि इंडिया वापस आने पे नहीं था। एक गैप था जो हमने भरने की कोशिश करी है रोपेरो के थ्रू, कि लग्जरी आपके फिंगर टिप्स पे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आपको मिलेगी। और रोपेरो बहुत वर्सेटाइल ब्रांड है, क्योंकि उसमें सब 5 ब्रांड्स भी हैं जो सारी ऑडियंस को केटर करेंगी, फ्रॉम लग्जरी टू मिड लग्जरी टू इवन स्पोर्टियर लुक्स। और जहाँ तक आपने फैशन शो में भी देखा होगा कि हमारे पास जो रेंज है वो कितनी बड़ी और डाइवर्स है। हमने प्रोडक्ट जो लॉन्च करे हैं वो ज़्यादातर बैग्स एंड एक्सेसरीज़ है, और एक आरकार करके ब्रांड है जिसमें अपैरल होगा, जिसमें सारे डिज़ाइनर वेयर होगा। और बाकी हमारे एक ब्रांड है जो आपने फैशन शो पे नहीं देखा, वो है जिम्बा। वो स्मॉल लेदर गुड्स का है, उसमें बेल्ट्स और वॉलेट ज़्यादातर रहेंगे फॉर मैन एंड वेमेन दोनों। इसमें अकेला लेदर गुड्स ही हैं या कुछ और भी यूज? नहीं, लेदर के अलावा बहुत कुछ है। लेदर में लेरिडा है, और बाकी ब्रांड्स में दूसरे टाइप मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली मोनाडा में फॉल लेदर है जो, और माइगेयर में रिसाइकल कॉटन, रिसाइकल नायलॉन के बैकपैक्स हमने बनाए हैं। और फ्यूचर प्लान्स में हम सस्टेनेबल कलेक्शन पूरा लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और प्लस साइजेस भी इन्वॉल्व करेंगे। एक ही ब्रांड है जिसमें प्योर लेदर है, और जिम्बा है जिसमें सिर्फ वॉलेट्स लेदर के हैं। बाकी जो बाकी ब्रांड्स हैं उनमें सिर्फ लेदर नहीं है। जैसे मैंने बताया, हम फॉल लेदर यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल नायलॉन, रिसाइकल कॉटन के बैग्स बन रहे हैं। और वीगनिज़म एज सच वेजिटेबल का होता है, जिससे हम सेकेंड फेज में ज़रूर वो लॉन्च करना ज़रूर करेंगे, जैसे सस्टेनेबल के एफर्ट में वो ज़रूर आएगा कलेक्शन। नेक्स्ट यही है कि हम दो कैटेगरीज और बढ़ाएं। पहली जो मैंने आपको बताई, प्लस साइज़ पे हम वर्क कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल एंगल पे हम वर्क कर रहे हैं। फिर अगर हुआ 6-7 मंथ्स में हम ऑफलाइन स्टोर भी खोलना पसंद करेंगे, और 5 साल का प्लान अगर आप मेरे से पूछे तो हम ग्लोबली जाएंगे, इंडियन लग्जरी को ग्लोबल लेकर जाना चाहेंगे।